मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाहर से आए जो श्रमिक वापस नहीं लौटना चाहते, उन्हें राजस्थान में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में स्थानीय श्रमिकों के साथ साथ उनके लिए भी चिंतित है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि करीब 2 माह से भी अधिक लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण ये श्रमिक पहले ही पीड़ा झेल रहे हैं। आजीविका छूटने से उन पर दोहरी मार पड़ी है। ऐसे में जल्द से जल्द रोजगार से जोड़कर उन्हें संबल देना हमारी जिम्मेदारी है। इससे उद्योगों में श्रमिकों की मांग भी पूरी हो सकेगी। श्रमिकों के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। स्थानीय श्रमिकों के साथ साथ बाकी श्रमिकों के लिए भी वो चिंतित हैं। अधिकारियों को निर्देश सीएम अशोक गहलोत ने दिए हैं। श्रमिकों के रोजगार के लिए कार्य योजना बनाई जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर मौजूद हैं। पिंटू, ये बहुत खास बात यहाँ पर देखने को मिली कि स्थानीय जो श्रमिक हैं उनके अलावा बाकी लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं, ये उन लोगों के लिए राहत होगी। देखिए मनीष, लॉकडाउन के बीच में जो श्रमिकों की समस्या आई उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत शुरू से ही गंभीर थे। बिल्कुल, उन्होंने इस पर कोई राजनीति नहीं करते हुए जो दूसरे प्रदेशों के श्रमिक थे उनको भी उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए जो निःशुल्क बसें चलाई वो एक मिसाल थी। फिलहाल जिस प्रकार से 2 महीने हो गए लॉकडाउन को जारी और जो श्रमिक बेरोजगार हुए हैं उनको लेकर अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार की योजना, एक न्याय योजना लागू करे केंद्र सरकार, जिससे गरीबों के घर में पैसे जाए ताकि उनका घर चल सके, क्योंकि लंबे समय से उनके पास रोजगार नहीं था तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उसी को देखते हुए कल सीएम अशोक गहलोत ने जो दूसरे राज्यों में प्रवासी राजस्थानी जो श्रमिक थे वो अभी प्रदेश में लौटे हैं, उनके रोजगार को लेकर भी वो चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जो बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों में हमारे देश के हमारे प्रदेश के श्रमिक वहां रोजगार करते थे वो अपने रोजगार को छोड़कर प्रदेश में लौटे हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना तैयार की जाए और जो श्रमिक है जो दूसरे राज्यों से लौट कर आए हैं अगर वो वापस नहीं लौटना चाहते हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे में कार्य योजना तैयार की जाए और उनको रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि शुरू से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रमिकों के लिए गंभीर रहे हैं और अब श्रमिकों के रोजगार को लेकर कार्य योजना तैयार करने के जो निर्देश है वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं।